नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कंप्यूटर हिंदी notes.com से। तो पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को कैसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है इस बारे में देखा था। आज भी इंसर्ट के ही ऊपर यहां पर वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे हम बुकमार्क और कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुकमार्क और कमेंट क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम एमएस वर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर यदि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में बुकमार्क या फिर कमेंट को इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं बुकमार्क का और कमेंट का। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि बुकमार्क और कमेंट्स आखिर क्या हैं। तो दोस्तों, बुकमार्क जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हम किसी बुक में मार्क करते हैं, तो हम यहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी एक मार्क लगा सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि वहाँ पर किस चीज़ को हमें टाइप करना था या फिर उस चीज़ से जुड़ी हुई कोई चीज़ हमें याद रखनी हो। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि हम बुकमार्क से क्या कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे हो, वीडियो लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो वर्ड में हम बुकमार्क को ऐड कर दें। तो जैसा आपने देखा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ बुकमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कोई भी एक नेम देना है जिस नेम से आप यहाँ बुकमार्क को सेव करना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया न्यू और इसे मैंने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर बुकमार्क को ऐड कर सकते हो और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप बुकमार्क को ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर वापस से बुकमार्क पर क्लिक किया तो आप देख पाओगे यहाँ पर अब पहले से एक न्यू जो हमने बुकमार्क बनाया हुआ था वो यहाँ पर शो होगा। हम यहाँ से डायरेक्ट इससे गो टू करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन हम बुकमार्क को और भी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यदि होम में जाओगे तो यहाँ पर मैंने आपको फाइंड, रिप्लेस और गो टू के बारे में बताया होगा। उसकी शॉर्टकट की होती कंट्रोल एच, तो आप जैसे कंट्रोल एच पे क्लिक करते हो यहाँ पर आप गो टू पर जा सकते हो और यहाँ से आप बुकमार्क यदि चूज करते हो तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर आपको बुकमार्क की लिस्ट देखने मिल जाती है। जैसे हमने अभी एक ही बुकमार्क बनाया है तो हम उसे सिलेक्ट करके गो टू पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट उस बुकमार्क पर ले जाएगा। यदि हम चाहते हैं हमारे पास और भी बुकमार्क्स हों तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक रीडिंग वर्ड है, इस पर भी मैं बुकमार्क को इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बुकमार्क पर जाऊँगा और यहाँ पर मैंने इसे नए वर्ड के नाम से, मैंने इसे डेमो के नाम से ऐड कर दिया। यदि अब हम कंट्रोल एच को प्रेस करेंगे और यहाँ से गो टू पर जाएंगे, यदि आप जानना चाहते हो गो टू की शॉर्टकट की क्या है तो वो थी कंट्रोल जी, आप डायरेक्ट उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट गो टू पर पहुँच जाओगे और तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिस्ट में आपको दो चीज़ें शो हो रही हैं, एक तो न्यू जिसे हमने पहले क्रिएट किया हुआ था और एक डेमो जिसे हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर कहीं पर भी नेविगेट भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे बुकमार्क बनाने के यहाँ पर फायदे हैं। जैसे मैंने आपको हाइपरलिंक्स जब पढ़ाया था तो यहाँ पर आप हाइपरलिंक्स क्रिएट करते थे बहुत सारी चीज़ों से, या फिर आप हेडिंग्स के थ्रू भी यहाँ पर हाइपरलिंक्स को क्रिएट कर सकते थे। उसी तरीके से आप यहाँ पर बुकमार्क के द्वारा भी हाइपरलिंक्स को क्रिएट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आपको हाइपरलिंक पर क्लिक करके यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर दो बुकमार्क शो हो रहे हैं जो हमने अभी अभी क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक करके यहाँ पर उसे लिंक कर सकते हो। अब मैं यदि कंट्रोल के साथ क्लिक यहाँ पर करता हूँ तो आप देख पाओगे हम उसी बुकमार्क पर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, आपको समझ तो आ गया होगा कि बुकमार्क क्या होता है और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगली चीज़ है कमेंट क्या होती है और इसे हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे ये डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़ा है। यदि आपको कहीं कमेंट लिखना है, जैसे आप यूट्यूब किसी वीडियो पर कमेंट करते हो तो वो उस वीडियो के लिए होता है, तो उसी तरीके से हम इतने बड़े डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं, किसी सेंटेंस के लिए लिख सकते हैं, किसी पैराग्राफ के लिए लिख सकते हैं या किसी पेज के लिए भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड सिलेक्ट किया और आपको यहाँ कमेंट पर क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर आप कमेंट पर क्लिक करोगे यहाँ आप देख पाओगे एक रेड लाइन शो हो रही है और ये वर्ड हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब है यहाँ पर इस वर्ड पर किसी कमेंट को इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जैसे कमेंट कर देता हूँ कि इट्स रॉन्ग। यदि कुछ चीज़ गलत है आप वो भी लिख सकते हो, या कुछ उसमें इम्प्रूव करना है आप वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो भी ये कमेंट अभी भी शो हो रहा है। इसके थ्रू आप देख पाओगे कहाँ पर आपकी कोई किसी वर्ड पर कमेंट डाला हुआ है और इस कमेंट को किस यूज़र ने डाला है और कितने
सेकंड पहले या कितने दिन पहले यहाँ पर इस कमेंट को इंसर्ट किया गया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहीं पर देखने मिल जाएंगी। तो यदि आप चाहते हो कि ये कमेंट हमेशा शो ना हो, जैसे कि अभी ये कमेंट शो हो रही है, हम नहीं चाहते कि अभी शो हो, तो उसके लिए आप यहाँ रिव्यू टैब पर जाओगे और यहाँ पर आपको कमेंट का एक सेक्शन देखने मिल जाएगा। और जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो शो कमेंट्स यहाँ पर ऑन है, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर देते हो तो आप देख पाओगे यहाँ पर कमेंट शो नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर एक बॉक्स शो हो रहा है कि यहाँ पर किसी कमेंट को इंसर्ट किया गया है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर कर्सर रखा है, आप देख पाओगे वीडियो जो वर्ड है वो हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इस वर्ड पर इस कमेंट को इंसर्ट किया गया है। और जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ कमेंट्स देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पर यदि आपको उसे डिलीट करना है, तो आपको बस इस कमेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप डिलीट पर क्लिक करोगे और वो कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप कमेंट को इंसर्ट करोगे, उसे डिलीट करना है तो आपको रिव्यू टैब के अंतर्गत आना पड़ेगा, ताकि आप उन कमेंट को डिलीट कर सको, शो या हाइड कर सको, या नेक्स्ट और प्रीवियस कमेंट पे जा सको। और यहाँ से आप न्यू कमेंट के थ्रू यहाँ पर कमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आप बुकमार्क और कमेंट को कैसे इंसर्ट करोगे। बुकमार्क और कमेंट फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा कुछ काम के नहीं है, लेकिन ये हाइपरलिंक्स और क्रॉस रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो मैंने आपको हाइपरलिंक्स तो बता दी हैं, हमारी अगली वीडियो में हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।